नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है फर्स्ट स्टेप एजुकेयर में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था होल नंबर के बारे में नेचुरल नंबर के बारे में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट नंबर्स के बारे में इवेंट नंबर क्या होता है तो इवेंट नंबर वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसे दो से पूर्णतः विभाजित हो सके ठीक है यानी यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि दो चार छः आठ दस बारह चौदह ये सब के सब क्या हैं आपके सम संख्याएं हैं यानी इवेन नंबर्स हैं जो कि दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं अगर दो से हम इसमें भागा देते हैं जैसा कि यहाँ पे दस है तो दस में दो से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाता है फाइव टाइम्स में यानी दो पच्चे दस यानी दो से दो के पहाड़ा से ये क्या होता है पांच बार में पूरे पूरी खत्म हो जाता है कट जाता है अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि दस क्या है सम संख्या है ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि सम संख्याएं हैं यानी उसे चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है दो से भाग करके चेक कर लेना है कि वो क्या है संख्या है या नहीं संख्या को डिनोट करने के लिए ई का यूज़ करते हैं ई से इंडिकेट किया जाता है इवेंट नंबर्स को नेक्स्ट है हम लोग का ऑड नंबर ऑड नंबर किसे कहते हैं तो ऑड नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो यानी जिसमें दो से भाज्य ना लगे वो क्या कहलाते हैं विषम संख्या कहलाते हैं यानी द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड ऑड नंबर ऑड नंबर को ओ से इंडिकेट किया जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है क्या कि वन थ्री फाइव सेवन ये सब के सब जो नंबर हैं ये क्या होते हैं दो से पूर्णतः नहीं कटते हैं यानी दो से जब भाग लगाया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ शेष बच जाते हैं ठीक है तो यह क्या होगा ये इवेंट नंबर नहीं होगा यह ऑड नंबर होगा जैसे कि पाँच पाँच को अगर हम देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे चलिए क्लीन करके देखते हैं कि अगर हम पाँच या जो भी कोई भी नंबर है उसे वो इवेन नंबर है या ऑर्ड नंबर है वो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि क्या वो इवेन नंबर है या ऑड नंबर है जैसे सपोज दैट यहाँ पे थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्या है तो दो से डिवाइड करके देख लेंगे पता चल ही जाएगा कि क्या है वन टाइम में लगा दो एक आया फिर आपको पाँच अब दो से फिर से भाग ले लगाते हैं तो सात बार में चौदह और चौदह घटाने पर एक रिमाइंडर बच जा रहा है तो एक जब रिमाइंडर बच जा रहा है तो यह क्या हो गया यह ऑड नंबर हो गया यह इवेंट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर्स इंटीजर्स की बात करते हैं यानी पूर्णांक वो सारी संख्याएं जो कि धनात्मक हो या ऋणात्मक हो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती कहला है इंटीजस कहलाती है पूर्णांक कहलाती है यानी धनात्मक चिन्ह वाली संख्याएं धनात्मक चिन्ह वाली संख्याएं साथ ही साथ ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं सारे के समूह को ही क्या कहा जाता है इंटीजर्स कहा जाता है यानी यूँ कहें तो इंटीजर्स के दो पार्ट भी होते हैं एक धनात्मक इंटीजर्स और एक होता है ऋणात्मक इंटीजर्स यानी एक कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो कि नंबर लाइन पर राइट साइड में बढ़ती है नंबर लाइन पर क्या होती है राइट साइड में बढ़ती है और ऋणात्मक संख्याएं नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड होती है यानी जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक और अगर जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक अगला जो है हम लोग का अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो कि एक से बड़ी होती है लेकिन वो वैसे क्रूप होते हैं जिसका उस संख्या और वन के अलावा किसी और से इसमें विभाजित ना हो सके अगर बात करें जैसे सेवेंटीन सेवनटीन क्या है ये एक से पूर्णता भाग लग सकता है सेवनटीन टाइम्स में या तो सत्रह से ही सत्रह में भाग लग सकता है एक बार में इसके अलावा किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लग सकता है अर्थात कह सकते हैं कि यह क्या होगा अभाज्य संख्या होगा क्या होगा अभाज्य संख्या होगा इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care